और भिंड में सीएमओ प्रदीप ताम्रकार ने अपनी चाचा के साथ मिलकर महिला पार्षद के पति पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर दफ्तर का सीसीटीवी कैमरा भी बंद करवा कर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला पार्षद ने अपने पति पर झूठी एफआईआर का आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस अधीक्षक से यहां पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही कलेक्टर पर उपेक्षा का भी आरोप लगाया। महिला पार्षद ने कहा कि कलेक्टर साहब ने सिर्फ सीएमओ की बात सुनी है, हमारा पक्ष नहीं सुना, हमें कक्ष से बाहर निकाल दिया था। सबसे बड़ी शिकायत तो सीएमओ की ये है कि पेरी सत्य जी कही थी कि सफाई अभियान चलाओ, सड़क से कोई कूड़ा करकट नहीं डाले, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। गाय परेशान है, किसान परेशान है, उनके संबंध में कही गई कि हम समिति बना रहे, दो तीन महीना हो गए समिति बना रहे हैं। आवास योजना में उन्हें इतनी धांधली करी है कि पुराने फूटे मकान आप तो न्याय प्रक्रिया की कुछ शिकायत लेकर आए थे, ये तो झूठो ही है। आए थे जो लोग जाते हैं कोई बात कहा भग जाएगा से नहीं सुनेंगे तो लोग कागज सहन करेंगे। अकोड़ा के सीएमओ ने झूठी कार्रवाई मेरे पति के विरुद्ध केस फाइल करवाया है कि मारपीट की गई है, जो कि नहीं की गई, मुँह बात हुआ। जो भी वहाँ पर जो अकोड़ा के नगरवासी हैं जब अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो वो वहाँ सभी से रुपए मांगते हैं। आवास योजना कोई भी छोटी से बड़ी समस्या हो, आज तक उन्होंने परिषद की इतनी मीटिंगों में कोई भी कार्रवाई नहीं की और महिला अध्यक्ष को हमेशा ये नियमों का हवाला देकर उनकी बात की अवहेलना की जाती है। वो किसी भी परिषद में जितने भी सदस्य हैं किसी भी बात की आज तक उन्होंने उनके द्वारा कहे गए कार्य की पूर्ति नहीं की। आपने एसपी साहब से क्या बात करी? सर मैंने उन्हें एसपी साहब को अपनी समस्या से अवगत कराया है, उन्होंने जो झूठी एफआईआर करवाई है मैंने उसके बारे में बताया है कि आप जांच कीजिए निष्पक्ष।